अच्छा तुमने मामला दर्ज की है, अब क्या करेगी उसमें? रिटर्न ले लेंगे। तुम अपने पति जो तुमसे शादी करने को तैयार हो गया, तुम खुश हो ना? हाँ। आपको कैसा लग रहा है उत्तम जी? ठीक लग रहा है। वो कहते हैं ना कि सच्चे दिल से प्यार करने वाले जो प्रेमी युगल होते हैं उन्हें मंजिल मिल ही जाती है, दोनों एक हो ही जाते हैं। लाख कठिनाई आए उन्हें कोई अलग या जुदा नहीं कर सकता। बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ है झारखंड के धनबाद जिले के राजगंज थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव में। हमने एक खबर दिखाई थी जिसमें एक प्रेमिका अपने प्रेमी के घर पिछले 72 घंटे से बैठी हुई थी, धरने पर बैठी हुई थी। दरअसल 72 घंटे धरने पर बैठने के बाद महिला थाने में केस दर्ज होने के बाद आखिरकार प्रेमी युवक का दिल पसीज गया और दोनों प्रेमी प्रेमिका एक हो गए। दोनों के परिजनों ने आपसी रजामंदी के बाद ग्रामीणों की मौजूदगी में राजगंज थाना क्षेत्र के गंगापुर स्थित माँ लिलोरी मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से दोनों प्रेमी युगल की शादी करा दी। देशवा न्यूज ने इस खबर को काफी प्रमुखता से दिखाया था। हमने दिखाया था कि कैसे झारखंड के धनबाद जिले के राजगंज थाना क्षेत्र के महेशपुर में एक प्रेमिका अपने प्रेमी को पाने की जिद में इस कड़कड़ाती ठंड में पिछले 72 घंटों से धरने पर बैठी हुई है। 72 घंटे इस सर्द ठंड में बैठने के बावजूद जब कुछ निष्कर्ष नहीं निकला तो महिला बाघमारा महिला थाने पहुंच गई। प्रेमिका के बाघमारा महिला थाने में पहुंचकर प्रेमी युवक उत्तम महतो के विरुद्ध यौन शोषण का एक प्राथमिकी दर्ज कराया गया जिसमें उसके परिवार को भी आरोपी बनाया गया। दरअसल बता दें कि पिछले 4 वर्षों से प्रेमी युगल का आपस में प्रेम संबंध था। उत्तम ने प्रेमिका निशा को ये वादा किया था कि हम जल्द शादी कर लेंगे। इस बीच जब शादी की बात आई तो प्रेमी शादी से मुकर गया। इतना ही नहीं, वो उसने प्रेमिका जो निशा है उसके फोन को उठाना बंद कर दिया और एकाएक गायब हो गया। अंत में थक हार कर प्रेमिका निशा को ये कदम उठाना पड़ा। 72 घंटे के धरने, एक लंबे संघर्ष और महिला थाने में दर्ज कराए गए शिकायत के बाद आखिरकार प्रेमी युगल उत्तम महतो और निशा की शादी हो गई, दोनों एक हो गए। आपसी रजामंदी के बाद दोनों के परिजनों ने राजगंज थाना क्षेत्र के गंगापुर स्थित माँ लिलोरी मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से दोनों की शादी करा दी। इस अनोखी शादी का गवाह बना पूरा गांव, उनके परिजन। तुम अपने पति जो तुमसे शादी करने को तैयार हो गया, तुम खुश हो ना? हाँ। आपको कैसा लग रहा है उत्तम जी? ठीक लग रहा है। अच्छा, चलिए भगवान करे आप लोग अच्छा से रहिए, है ना? सब हंसी खुशी दोनों को स्वीकार है ना? सब ठीक है, लेकिन आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। चले बस। कैसे दिक्कत? किस तरह का दिक्कत? बाय चांस का किस तरह का दिक्कत होगा भाई? आगे जाके कोई जैसे दिक्कत ना, अभी जैसे चलना चाहिए, एकदम चाहिए। यार तुम्हारे हाथ में सब कुछ है ना, तुम लड़की को शादी करके लेके जा रहे हो, तुमको सही सलामत सब कुछ सही रखना है। तुम अगर सही रखोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। निशा, तुमने मामला दर्ज की है, अब क्या करेगी उसमें? अब खुश हो ना तुम? इस अनोखी शादी की चर्चा न सिर्फ कोयलांचल बल्कि झारखंड बिहार सहित कई राज्यों में हो रहा है। इस खबर को सबसे पहले देशवा न्यूज ने दिखाया था, हमने दिखाया था कैसे एक महिला अपने प्रेम को पाने के लिए धरने का सहारा ले बैठी थी। देशवा न्यूज के लिए झारखंड से मैं अशोक कुमार। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।